and welcome to Fruity Presents Comedy Circus ke Ajube. जो करेगा माँ बाप की सेवा जिंदगी देगी उसे मेवा. एक बेटा अपने माँ बाप को लेकर गया है कुंभ के मेले में, लेकिन मेले में हो गए हैं बहुत झमेले क्योंकि माँ बाप हैं थोड़े थकेले और उस पर गाइड से लेकर पंडित तक सब हटेले. हंसी की कुंभ यात्रा का स्पेशल एक्ट लेकर आ रहे हैं राजीव ठाकुर एज बेटा, भारती एज माँ, परेश एज बाप, राजीव मेहरा एज पंडित एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स. पांडुलोज 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 पांडुलोज. ए क्या हंस रहा है बे? पांडुलोज बोला है, जो तू समझ रहा है वो नहीं. आओ पांडुलोज पांडुलोज. 200 250 300 200 250 300. बहुत अच्छे अच्छे कमरे मिलते हैं हमारे इधर. ये एकदम चद्दर बदलू होटल नहीं है. वैसे बहुत सारे कपल लोग आते हैं इधर और बहुत दाग धब्बे छोड़ के जाते हैं, फिर मैं ही धोता हूं उनको. बहुत मजा आता है मेरे को. खैर जो भी, हमारे होटल के बारे में बताओ, पांडुलोज के बारे में. इधर क्या बोलते हैं, हल्का होने की बहुत अच्छी व्यवस्था है. भले हल्का होने का रखना पड़ेगा क्योंकि बंदा खा पी तो कहीं भी लेता है, हल्का होने में प्रॉब्लम आती है. खैर इधर बड़े बड़े लोग आते हैं घाट पे नहाने को. आज कौन कौन येड़े लोग आने वाले मालूम नहीं. अबे कब से चलाया जा रहा है तू? नदी स्नान कराने ले जा रहा है या बंगाल की खाड़ी में? अबे जब घर से चला था तो 6 फीट का था, घिसते घिसते 4.5 फीट हो गया हूँ मैं. अभी और थोड़ा चला ना तो झोली में लेकर घूमना अपने बाप को. सही कह रहे, मेरे से भी एक कदम नहीं चला जा रहा मैं तो तक. नहीं चला जा रहा तो भाग. खा खा के इतनी मोटी हो गई है, मेरी माँ कम बैंड स्टैंड का पत्थर ज्यादा लग रही है तू. एक बार खड़ी होती है 3-3 बैंड्रा पीछे छुपा के बैठ जाती है. इस दिन के लिए तुझे चुरा के पाल पोस के बड़ा किया था कि आज ऐसे बदतमीजी से बात करे तू. अच्छा, तूने मुझे पाल पोस के बड़ा किया? साइज देखो इसका, ऐसे लगता है बेटे ने पाल पोस के तुझे बड़ा किया है. और जितनी मालिश मेरी की थी ना, 10% भी इसकी की होती ना मालिश तो लोग कहते कम से कम ये मेरा बाप है. आज भी गली में हम दोनों जाते हैं ना तो बोलते हैं, बुढ़िया दो बच्चे लेके किधर घूम रही है तू? भगवान छंगाल के बात कर वरना मेरा हाथ उठ जाएगा. अच्छा अब तेरा हाथ उठ जाएगा? इतना कमजोर हो गया पलके उठाने के लिए 4 बंदे बुलाने पड़ते हैं हमें. फार्मेसी के लवड़ भास्कर चूरन, मरे कौवे के पंख, बासी फाफुंदी, समझ लिए अपने छोटे भाई से कैसे बात करते हैं? बेचारे का पाव फिसल गया, कहीं नदी में गिर गया तो लेने के देने पड़े जाएंगे. नहीं मानता भाई, नहीं मानता. जब भी नहाने जाता है खुद साबुन के नीचे आ जाता है हमेशा. देख ले इसको भी छोटा भाई लग रहा है मेरा. हाय रब्बा, मैं क्या करूं, वो मेरी वजह से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता. ए बकवास बंद कर, बड़ों की इज्जत करना नहीं आता तुझे? आता है लेकिन बड़े दिखे तो सही पहले. खैर कमाल है, तीनों अच्छे अच्छे हैं. पहली बार लगता है घाट पर आए स्नान करने के लिए. मेरा ना यहाँ पर पांडू लॉज है. अच्छा? क्या पांडू? हाँ प्रोनाउंस सही करने का. हाँ बहुत फेमस है हमारा लॉज इधर. हाँ एकदम लॉज एंजेलिस के नाम से बहुत फेमस है. हट जी हट. अच्छा हुआ तू हमें मिल गए, वैसे भी मैं बड़ी थक गई हूँ, एक कदम नहीं चल सकती. मैं तो इसके कौन सा लॉज था, पांडू लॉज में जाके रहूंगी, रेस्ट करूंगी, अच्छे से नहाऊ धोऊंगी और फिर बाद में शाम को जाके नदी में स्नान करूंगी. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन वो किराया क्या है कमरे का? कमरे का किराया? अरे बहुत सस्ता है भैया, 2000 रुपया पर डे. नहीं लॉज खरीदना नहीं है, भाड़े पर लेना है. कौन से टाइम का बाप लेकर आया भाई तू? औरंगजेब के टाइम का लाया क्या? है अब अमिताभ बच्चन भी आज के वक्त के हिसाब से चल रहे, महंगाई बढ़ गई है छुटकू. 2000 रुपए में साले तेरे को कोई भी कमरा नहीं देगा. 2000 में कोई भी कमरा नहीं देगा? तो तू क्यों दे रहा है बे? खाली है. मैंने कहा ना हमें लॉज में नहीं रहना. चलो चलो चलो. क्यों देर हो जाएगी? हाँ अबे खाक देर होगी, काहे की देर हो जाएगी. नदी का पानी कौन सा 5 से 7 आता है बंबई की तरह, आराम से आता है. कभी भी यहाँ पर कुछ भी करो, बैठो स्नान करो. शाम को 6 बजे नहाएंगे तो अच्छा रहेगा. अरे शाम का 6 बजे का वक्त मैं बताऊं मैडम, इतना बढ़िया है. ऐसा सूर्य अस्त होता है उस वक्त हम पूजा करेंगे, आपकी जिंदगी का अस्त हो जाएगा. सारे पाप धुल जाएंगे हमारे. अरे ऐसे सारे पाप धुलेंगे, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे. मैं सच्ची बता रहा हूँ बेटा, हमें एक ही दुख है. एक ही दुख खाए जा रहा कि इस मनुष्य की शादी नहीं हो रही. अरे आप फिक्र मत करिए, मेरे पास एक बहुत मोटा ताजा पंडित है. पंडित से शादी नहीं करनी? अबे शादी की बात नहीं कर रहा बे, ऐसा पंडित है ऐसा यज्ञ करेगा मजा आ जाएगा. अरे इतना मोटा है क्या बताऊं, देखो मुंह तो उसका यहीं लगा हुआ है, है? बाकी धड़ पीछे अटका होगा. जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा. कल मैं आम के पेड़ के नीचे कर्म कर रहा था, मुझे आम मिला.
वैसे मेरी इच्छा कलिंगन की थी। क्यों झूठ बोल रहा, मिला तुझे कलिंगन ही है, देख गौर से। हट ना बेटा, अच्छा हुआ आप आ गए। क्या कहा? अच्छा हुआ आप आ गए। काश आज मंत्रापुर भी जिंदा होते, उनको पता चलता कि लोग अपने एक्ट में कैसे हमारा वेलकम करते हैं। पहले पूरी बात सुन तो ले। मेरा कहने का मतलब था, अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना कोई तो हो जिसकी लाइनें मुझसे कम हो, वरना खामखा पूरे 10 मिनट से लाफ्टर पे लाफ्टर आई जा रहा था। अब थोड़ा आपको रेस्ट करने का टाइम मिलेगा। पंडित जी हमारी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है। हाँ मेरे बेटा, क्या प्रॉब्लम? अरे पंडित जी, एक ही समस्या है कि इस मलूस की शादी नहीं हो रही। तो इसकी आपके पास कोई पत्री वगैरह? हाँ पंडित जी, ये है, ये पंडित जी जरा देखिए ना कि क्या किसकी जन्म पत्री में कीड़े पड़े कि शादी नहीं हो रही। मैं आपको एक बात बताता हूँ जजमान। हैं? जजमान? अबे हमने कभी जज को जज नहीं माना, तुझे जज मान चुके का तुझे पार्टिसिपेंट मान रहे हैं हम। देखिए देखिए, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। अगर आपको इसकी शादी करवानी है तो कुछ उपाय करने पड़ेंगे। शुक्र बहुत भारी है। अबे मेरे शुक्र ने क्या राजमा चावल खा के ऊपर से दूध पी लिया, भारी है, है? देखिए आप गलत समझ रहे हैं, आपको उपाय करना पड़ेगा। लेकिन क्या उपाय करना पड़ेगा? आपको 101 लोगों को भोजन करवाना पड़ेगा। अबे मेरी शादी नहीं हो रही, तुझे रिसेप्शन की पड़ी है? अबे अपने फायदे मत सोच, उपाय बता। हाँ, एक मिनट, इसके साथ कुछ और तो नहीं करवाना पड़ेगा? पहले ना आपको सर मुंडवाना पड़ेगा। हम तीनों को? क्या हुआ? नहीं नहीं, मतलब मैं और बाप तो ठीक है, ये मार टकली कैसी लगेगी? इसकी दशा बता रही है कि इसका शनि खराब। एक मिनट मोटू, अभी तो तूने शुक्र कहा था ना, अब शनि बारी हो गया। बातों में जितना विलंब करे शुक्र का शनि तो वैसे ही हो जाएगा। हाँ। ना, आप उपाय करवाइए। करवा देते हैं उपाय। हम तो कहाँ विलंब कर रहे हैं, आप बताइए करना क्या है। 51,000 हमारी दक्षिणा निकाली। 51,000 जी? अबे साले, इससे अच्छा तो हमारे घर में हिस्सा मांग लेता। चलो खत्म, आज घाट में स्नान करो जिस काम के लिए आए हो। चलो जल्दी चलो। हाँ चलो। अरे बेटा गोली तो चला। अबे स्विमिंग पूल में रेस लगाने आई है तो? चलो नीचे उतरो। उतरो। शाबाश शाबाश शाबाश, चलो चलो आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ रहे बढ़ रहे। ओ सीना जुल्फो वाली जाने जहाँ, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। मैं फिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ? ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अरे अंताक्षरी मत खेलो, नहाओ। मैं ध्यान रखता हूँ तुम्हारे कपड़ों का, कहीं उतार ना लो यहाँ पर। क्या हुआ? बेटे मैं तो धन्य हो गया, मुझे जल देवता के दर्शन हो गए। अरे जल देवता नहीं है मगरमच्छ है, बुड्ढे भाग। अबे उधर किधर भाग रहा है, उधर नदी है। ए मगरमच्छ मुझे छोड़ दे, मैं अननोन मगर से बात नहीं करता। मुझे छोड़ के इसे क्यों पकड़ा तूने? क्योंकि मेरा चाइनीज खाने का मन है। बाबूजी मैं चाइनीज नहीं है, मैं कोरियन ही सलाम। मैं कोरियन राइस ही खाएगा। मुझे क्यों पकड़ा? मैं तेरे को पूरा नहीं खाऊंगा, मैं तेरे सिर्फ हाथ खाऊंगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर सिर्फ हाथ के बिना अच्छा लगता है। अरे हमको कछुए, तू इतना सफेद कैसे हो गया और तू पंडित बिना क्यों घूम रहा है? मगर तू क्यों बेगुनाह इंसानों को खा रहा है? मगर इसलिए क्योंकि मेरे साथ गुनाह हुआ है। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में मैंने इतने पापड़ बेले, इतनी सारी फिल्मों में काम किया, जंगल,
खून भरी मांग, लेकिन तुम लोगों ने मेरी इज्जत नहीं रखी। अरे मगर कभी भी यूज नहीं हुआ है, सिर्फ मेरा भाई अगर यूज हुआ है। हाँ, अगर तुम अपनी बीवी को बचाना चाहते हो तो काली पहाड़ी के पीछे आओ, अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो काली पहाड़ी के पीछे आओ। अरे सब अगर अगर मगर का क्या होगा। और तुम्हारे वो काका ने भी वो वाला गाना गाया, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना हो से, अगर तुम्हारा अगर अगर क्या मगर का क्या होगा, मगर का क्या होगा, मगर का क्या होगा। बर्फी फिल्म की मिठास ने उसे ऑस्कर तक पहुंचा दिया, लेकिन हम बर्फी को और बड़ा मुकाम दिलाएंगे, उसे बर्फी से जलेबी बनाएंगे, आपको बर्फी का स्पेशल रीमेक दिखाएंगे। बर्फी की बोलती बंद करने आ रहे हैं मंत्रा एज बर्फी, पूर्वी एज हीरोइन एंड राजीव एज एन इंस्पेक्टर। बर्फी बर्फी अरे कहाँ भागता है बर्फी, बर्फी। एक तो अर्चना जी, इस बर्फी ने बहुत परेशान करके रखा है, रोज कोई ना कोई कांड करता है, रोज इसकी रिपोर्ट मेरे थाने में दर्ज होती है। आप बताइए कि इतना शरारती आदमी आपने देखा ही नहीं होगा। कल भाई की कार की हवा निकाल रहा था, मैंने कहा चल हवा वापस भर, तो साले ने मेरे मुंह में भर दी। बर्फी, तेरे पे गुस्सा उतारूंगा साले, बर्फी। नीचे खींच के बजाऊंगा, तू भी अंधी हो जाएगी। अगर मैं अंधी हो जाऊंगी तो कोई बात नहीं, मैं रानी की तरह ब्लैक में परफॉर्म करूंगी। व्हाट तो कॉमेडी कॉमेडी। मुंह पे बंदूक मारूंगा, तेरे दोनों दांत तोड़ दूंगा और होंठ भी फाड़ डालूंगा। होंठ फाड़ यानी शत्रु। हाय हाय हाय, जली को आग कहते हैं, मुझे को राख कहते हैं, कोई पूछे तो कहना छैन हुआ था। हाय ए बकवास मत, इधर आ बे बर्फी, इधर आ, इधर इधर आ, इधर आ। उसके साथ क्या लफड़ा चल रहा है? बर्फी तुम्हारा उसके साथ कुछ चल रहा है, एक रात तुम दोनों सो गए। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। बाय,
नानू जेल मिल, नानू जेल मिल। यस वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मोटी बुद्धि, तुम्हारा उसके साथ कुछ नहीं चल रहा, तुम अपने घर गए, वो अपने घर जाके सोगी। तुम्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ चाहिए तुम्हें। दूं इंसाफ? दूं? अच्छा तुझे इंसाफ देना ही पड़ेगा। मैं दिलाऊंगी इंसाफ। मैं दिलाऊंगी इंसाफ, पाकी सावन दिलाएगी इंसाफ, इन पाकी का इंसाफ। हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ पाकी, आई एम मीडिया की बेटी। आई लव ऑल वुमन्स बट ऑल मेन्स लव मी, यू ऑल्सो सोहिल, आई नो। याद है लास्ट टाइम मैं इधर कॉमेडी सर्कस पे आई थी, मैंने कितना लाउड और खराब परफॉर्म किया था, फिर भी तूने मेरे को 10-10 मार्क्स दिया, स्टैंडिंग ओवेशन किया। क्योंकि सोहेल इज अ नो द राखी इज अ इनोसेंट लाइक अ बेबी डॉल लाइक अ मिर्ची। मैं दिल की बहुत साफ हूँ, मैं पूरी जनता के सामने पूरे मीडिया के सामने यही बताना चाहती हूँ कि मैं कहीं पे भी किसी के भी सामने कुछ भी खोलने को तैयार हूँ, राज राज खोलने को तैयार हूँ। मैं झूठ का पर्दाफाश करूंगी, मैं झूठ का पर्दाफाश करूंगी, हाँ मैं झूठ का पर्दाफाश करूंगी, मैं झूठ को नंगा करके छोड़ूंगी, सबके सामने नंगा करूंगी, इंडिया के सामने नंगा करूंगी, मीडिया के सामने नंगा करूंगी। देख रहा हूँ झूठ काफी नंगा है और यहाँ की ऑडियंस को इतना नंगा झूठ सुनाई नहीं देता। देखिए देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप पाकी के फेस में मत जाओ, आई एम अ बेबी डॉल लाइक अ वेरी इनोसेंट लाइक अ मिर्ची, लेकिन मेरा दिल बहुत साफ है। अर्चना इट्स अ फैक्ट ऑफ द ट्रू, इट्स अ वेरी साफ, इट्स लाइक अ वेरी क्लीन लाइक अ गटर, मेरा बहुत साफ है। नहीं मैं आप मेरे दिल में झांको, अरे आप मेरे दिल में झांको, आप मेरे दिल में झांको, पूरी इंडिया मेरे दिल में झांको, मीडिया झांको, झांको झांको झांको। मैडम मैं तो कब से वहीं झांक रहा हूं, बड़ा बहुत बड़ा दिल है आपका, इतना बड़ा दिल। इंस्पेक्टर साहब आई एम अ पाकी सावन लाइक अ वेरी इनोसेंट, मेरा दिल बहुत साफ है, मैं पूरे मीडिया के सामने कुछ बोलना चाहती हूँ, पूरे इंडिया के सामने कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को कोई बोलने का मौका नहीं देता है। वो क्या है, मेरी इमेज इतनी अच्छी है लेकिन मैं तो समझता क्या अपने आपको, बता पूरी मीडिया को बता तूने ऐसा क्यों किया, क्यों किया बोल, बता बोल क्यों किया, क्यों किया बोल। अबे साले मेरे होते कानून के होते लड़की छेड़ता, साले कानून पे हाथ उठाता, मैं तो बॉक्सिंग चैंपियन हुआ तुझे छोड़ नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एवरीबॉडी वन मिनट, इसको मीडिया का इवेंट बनाएंगे, पूरी मीडिया देखेगी, पूरा देश देखेगा, आई एम अ पाकिस्तान में रेफरी बनूंगी, यू वांट टू डू अ बॉक्सिंग, ओके रेडी रेडी। बर्फी को टल्ली हो रही है और लड्डू की तो लड्डू सूज गया ऐसा लगता है, बर्फी का खोया भी बाहर निकलने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, पूरी मीडिया देखो, मीडिया फोटो लो, मीडिया फोटो लो, ओ माय गॉड, बर्फी नहीं, बर्फी जीत रहा है, बर्फी नहीं जीत रहा है, देवानंद बन रहा है, नहीं जीत रहा है, नहीं जीत रहा है, लेकिन ये गया, बर्फी बर्फी उठ, बर्फी उठ, अरे उठ बर्फी, ऑस्कर जाना है, अबे उठ बे, ऑस्कर हॉल जाने का है, रिहर्सल कर रहे को आया बड़ा फ्री, क्या है, हाँ तू बर्फी है, ये लोगों ने बर्फी पिक्चर देखा, मस्त लगा, हाँ हाँ बर्फी तो ऑस्कर के लिए गया है, हाँ हाँ हमारा क्या है, हाँ छोड़ना ये सब, यही हमारा ऑस्कर और यही हमारा बॉक्सर, सही बोला सही बोला, हाँ ये कॉमेडी सर्कस का मंच है, यहाँ पे 8-8 मिले या 10-10, रोने का नहीं खुश रहने का। अर्फी तो जाजीज कितनी मीठी लगी आपको ये बर्फी? आर्ची फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई हैव टू डू दिस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ये स्टैंडिंग ओवेशन जो मैंने आपको अभी दिया ये बहुत अलग वजह के लिए है, नॉट जस्ट वन रीजन, एक तो ये कॉन्सेप्ट, ऊपर से अर्फी आप यू वर अमेजिंग विदाउट ओपनिंग योर माउथ, एब्सोल्युटली ब्रेस्ट टेकिंग, और राजीव आपने जो किरदार किया वो भी बहुत बेहतरीन किया, मैं आराम से बोल रही हूँ बिकॉज मैं सोच सोच के बोल रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे इतनी पसंद आई थी, लेकिन जब से आप आए तब से नॉर्मली क्या होता है कि आई लुक एट एन एक्ट क्रिटिकली एंड थिंक कि अच्छा इसमें ये है, बट हियर आई वॉज जस्ट सो इन्वॉल्व इन योर क्रिएटिव प्रोसेस ऑल्सो, क्योंकि आपने जो ये क्रिएट किया है और हमारे इस मंच पर जो रिक्रिएट किया है, इट इज़ नॉट ईजी,
and your performances were super fine. And my dear, standing in the middle in that green dress, you were absolutely stunning. Thank you. So much talent and so much dedication in totality. Mantra, you, Purbi, you and Rajiv, three of you, jo aapne kiya hai aaj is manch par, it is one of the finest acts, superb, super fine, and dil jala dene wale. Because ek actor ko jab aisi performance dekhne ko milti hai, to lagta hai ki maine kyun nahi kiya, aur main kaash aisa kar pati. Oh, wonderful! Oh. Thank you so much for your kind words. Thank you, Suhail. You know, when you came in the cycle, Mantra, I turned and told Achi that you know, ye itna sincere actor hai, mehnat karta hai. And dedicated hai. And Mantra, ye hum dekh rahe hai aapke baare mein, that you're a very honest actor. You do your job, you love your job. And I think anyone who loves this job, it comes across. So this particular act was a very difficult act. And jabhi bhi kuch cheez difficult ho jati hai, to usme comedy karna, it gets very difficult. His act mein mehnat bhi lag rahi thi, but there was certain kind of ease. And everything was falling into place. The variety that Purbi showed, okay, the energy that, you know, Rajiv showed, your sincerity as an actor, absolutely fabulous, because I think the variety that you created on the stage, it was a 10-minute act. It looked like a 7-minute act because of the variety that you all portrayed on the stage. It was absolutely fabulous. Yeah. Thank you so much. Time now for the scores. So Archie, आप इस act को कितने points देंगे? I wish ऐसा हो सके कि जब आप उतनी अच्छी performance नहीं देते, तो अगर हम आपको 8 देते हैं या 9 देते हैं, तो जब आप बहुत बढ़िया performance दें, तो हम आपके सामने ज़्यादा marks भी रख सकें. तो इसलिए आज थोड़ी भरपाई कर रही हूँ मैं. Thank you so much. Suhail, I'm sure this undoubtedly is undoubtedly going to be. Thank you. एक बार जोरदार तालियाँ मंत्रा, पूर्वी और राजीव के लिए. डॉक्टर भगवान का रूप होता है, सही इंजेक्शन लगाया तो बचाता है, गलत लगाया तो भगवान के पास पहुंचाता है. जब डॉक्टर हो हटेला और मरीज हो सटकेला, तो किसका इलाज होगा और कौन टपकेगा? चलिए देखते हैं. प्लीज वेलकम सुदेश एज डॉक्टर, कृष्णा एज मरीज एंड सिद्धार्थ एज अ नर्स. अच्छा, डिसाइड हो रहा है म्यूट पार्टनर है कौन. कैसे हैं आप? ठीक हो? सबसे पहले अर्चना जी नमस्कार. सोहेल जी आदान. देखिए मजाक अपनी जगह, लेकिन हमको अपने शरीर की सफाई रखनी है. नहीं, देखिए मैं ये जो ऑडियंस है, इस ऑडियंस को मैं जिनकी चका थी चिंता. मैं देखिए, हम कुछ सिंसियरली बातें करें. इंसान जब भी कुछ करना चाहता है, हेलो, इस पापी पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, आप समझो. सोहेल जी, जब भी मैं आपके कमेंट सुनता हूं, तो मैं हेडफोन लगा लेता हूं, मुझे और अच्छा लगता है. जोरदार तालियां. मैंने जब भी कुछ किया है जिंदगी में, बहुत ही ये आप लोग समझते नहीं है इस बात को. ए, तू क्या देख रही है इधर, उठ जा इधर, चल. लेकिन अर्चना जी, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते. सोहेल जी, ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक. देखिए आज म्यूट पार्टनर राउंड है. आज मैं बोल तो नहीं सकता, लेकिन हरकत तो कर सकता हूं.
मैं हूँ डॉक्टर किशोरी लाल। देखिए हंसना बिल्कुल नहीं, मैंने हर तरीके के यहाँ पे इलाज करता हूँ, पागलों का भी इलाज कर रहा हूँ, हिमेश जी का इलाज भी मेरे पास चल रहा है, पिंकू जी भी मेरे पास है, एक सुनील जी हैं, कोई प्रोड्यूसर, कोई मिस्टर मनी फिल्म बना रहे हैं, उनका भी मैं इलाज कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत पागल हो गए, सिर्फ कृष्णा को लेकर फिल्म बना रहे हैं, अकेला बंदा फ्लॉप करा लेगा वो, कितने बेवकूफ लोग हैं। खैर सिस्टर को बुलाता हूँ, अकेला सिस्टर, ये सिस्टर मेरी वाइफ है। हेलो, आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, सिस्टर को रखते हैं उसके बाद वाइफ बनाते हैं, मैं अपनी वाइफ को सिस्टर बना दिया, पैसा भी बच गया, घर की घर में रहेगी, जो रहता है मेरी सिस्टर वाइफ के लिए। हाँ क्या प्रॉब्लम क्या है अपने मरीज वगैरह? देखो मामा जी आए हुए हैं, पहले उनसे मिल लो आप। मामा जी फिर आए? आज आपको एक बात जान के बहुत दुख होगा कि वो बेचारा बोल नहीं सकता। क्यों, क्या हुआ उसको? क्योंकि उसकी नजरें कमजोर हो चुकी हैं। अरे नजरों से बोलने का क्या मतलब, जूते पहने हैं ना तो बोल सकता है वो। सर एक बार बहुत देर से चुड़ैल भी बैठी हुई है। बैठी हुई है ना, थक नहीं जाएगी, कुर्सी पर ही है, ये क्या बात कर रहा है, बेवकूफ है यार ये। मैं समझ गया ये मेरा मामा है, इसको बेड पे आने की इतनी जल्दी होती, इस सुहाग रात को मैंने देख लिया था इसको। सो चीप, वेरी बैड। मामा जी, अरे बच्ची है, छोड़ो चार पांच इसको। आजा आजा आजा, एक मिनट आजा। मामा जी आप सीधा यहाँ पे आ गए, हमें बताते हैं, हम गाड़ी भेज देते हैं आपको कुचलने के लिए। नहीं नहीं, इनका मतलब लेने के लिए, आपको लेने के लिए आ जाती ना गाड़ी। मामा जी बच्ची है, छोड़ो चार पांच, आ जा जा। मामा जी और बताइए क्या बात है, क्या प्रॉब्लम क्या हो गई थी? इनकी आंखों में बड़ी प्रॉब्लम है। आंखों में प्रॉब्लम है? हाँ। कोई बात नहीं, आंखों का इलाज करवाने आए हो, क्या प्रॉब्लम है, आंखों का इलाज क्यों करवाना चाहते हो? मामी जी के साथ डेट पे जाना है, किस करनी? अरे मामी जी के साथ किस करनी है तो आंखों का क्या काम, किस करते वक्त आंखें तो मेरी बंद हो जाती हैं। अच्छा मामा जी आप अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं बड़े डॉक्टर से बात करना चाहता हूं, मेरे बस में नहीं है थोड़ा सा। डॉक्टर गुप्ता या देखो तुम्हें जो भी करना है ध्यान से करो ना, जब तुम नहीं अकल सीखोगे तो ऐसे नहीं होगा। ना ना अकल तो तुम्हें करनी पड़ेगी। नहीं नहीं मैं नहीं जानता, ना ना नहीं मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं आप देख लो अपना, ना ना अकल वाला काम करना, मैं नहीं आता। सुनो सुनो, देखो मेरे मामा जी की आंखें हैं, आंखों का सवाल है, दो आंखें हैं, कितने की लोगे? नहीं नहीं अच्छी क्वालिटी की हैं, बहुत आश की आंखें हैं, अरे देशों विदेशों की कुड़ियों को तार चुके हैं ये, पूरा शरीर बेचना कितने का बिक जाएगा। नहीं नहीं मामा जी बहुत अच्छे डांसर हैं, इतने पैसे दे दोगे? इतने में तो इनके मामा को भेज दूंगा मैं। हाँ जी हाँ जी, अच्छा नहीं सिर्फ आपको डांस ही करवाना है तो सिर्फ मैं फिर इनकी टांगे भेज देता हूँ, आप वेट करो आइए। अरे अरे मामा जी क्यों नाराज होते हैं, अपने ही भांजा है, छोड़ो ना तीन चार। आना आना। ये कह रहे हैं जैसा हम लोग कर रहे हैं ना यहाँ पे आठ आठ मिलेंगे। अरे कोई बात नहीं, अपने जज हैं, छोड़ो या चार पांच। तो जजेस क्या आपको यहाँ पर अपना इलाज करवाना है?
आरजी, आपके एक्ट में कुछ बहुत अच्छी चीजें थी, जैसे कि आपकी एंट्री कृष्णा सुदेश, उसमें जो आपने पहले भी किया है लेकिन आज फिर से जो किया है, वो पीछे खड़े होकर वो हाथों का, वो बहुत डिफिकल्ट है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए, जो आप दोनों के बीच में ऑफ कोर्स है, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं. देयर वर सम एलिमेंट्स व्हिच वर वेरी नाइस लाइक द बिगिनिंग एंड द बीच में जो आपके फिजिकल कॉमेडी के पंचेस थे, लेकिन उसके अलावा एक्ट में कुछ नहीं था आप तीनों के लिए करने के लिए. कृष्णा, यू आर अ सुपर्ब टैलेंट. आपकी जो साइलेंट प्रेजेंस भी होती है स्टेज पर, इट रियली होल्ड्स अ मीनिंग. सिद्धार्थ, आपकी भी प्रेजेंस अब स्टेज पर बहुत कमाल की होती जा रही है. सुदेश, आपने बहुत बढ़िया किया. आप जो यहाँ चले ना, हाँ, वो जो चले थे यहाँ पर ऑडियंस के बीच में, मतलब यू आर रियली रनिंग विद द ऑडियंस, वेरी गुड. यू आर फ्लाउंडरिंग विदाउट अ स्क्रिप्ट and without proper time and rehearsals. But I love the three of you now, so what to do? Suhail? Haan, ye script mein aisa kuch nahi tha that we can, you know, boast about. Lekin, hum yaha aate, kabhi-kabhi scripts ordinary hoti hai, performances are very good. It's a package that kabhi performances are much better than the script is much better than the performance. If you ask me, I enjoyed myself. Time now for the scores. So, Suhail, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? I'm going to give you guys a 9. अर्चना? एक बार कृष्णा, सुदेश और सिद्धार्थ के लिए जोरदार तालियां. ऑर्डर, ऑर्डर. आज आपके सामने पेश होगा दुनिया का एक लौता ऐसा कोर्ट जहां जज की ही बोलती बंद और सिर्फ सनी की ही आवाज बुलंद. सनी वर्सेस सनी का केस लेकर आ रहे हैं भारतीय सनी, किकू एस सनी एंड सिद्धार्थ एज अ जज. तारीख पे तारीख. ओह माय गॉड, नीचे वाली तारीख तो बेचारी एंजॉय करते करते मर गई होगी. खैर, मुझे लगता है आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं. अरे, मैं हूँ सनी पियोनी. हाय सुहेल, हाउ आर यू? कैसे आप? मैंने सुना है कि आप अपनी सारी फिल्में होम प्रोडक्शन बनाते हैं, सेम मेरी तरह. जितनी भी फिल्में मैंने बनाई है सारी की सारी होम में शूट की है. आज मैं यहाँ दामिनी 2 के चक्कर में आई हूँ सनी की जगह लेने, क्योंकि अगर उस समय सनी की जगह मुझे लिया होता तो केस चुटकियों में सॉल्व कर देती. आज तो मैं सारे केस ग्रुप में सुलझाऊंगी. बड़े बड़े वकीलों से ऐसे सवाल करूंगी कि कोई उसका जवाब ही नहीं दे पाएगा. सारे 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 या माय हानी बारे. वैसे सोहेल, आए, मैं कल सलमान से मिला था. मैंने सलमान से कहा कि तूने तो अपने छोटे भाई को जज बना के बैठा दिया है, कुछ मेरे छोटे भाई के लिए भी कर दे. तो बताया उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि एटलीस्ट सोहेल का बड़ा भाई हिट तो है. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर ये काले कपड़े पहनकर वकील बन के क्यों आया हूँ. शायद आप लोगों को पता नहीं, लेकिन मुझे फिल्मों के बीच में जब टाइम मिलता है तब मैं वकील का काम कर लेता हूँ. आज इस अदालत में मैं बहुत सारा उठक पटक उठक पटक उठक पटक करने वाला हूँ. ओह माय गॉड, मैंने आज तक आपको अपनी इंडस्ट्री में क्यों नहीं देखा? यही तो प्रॉब्लम है, आजकल मुझे कोई देख ही नहीं रहा है. लेकिन एक मिनट मोहतरमा, मैंने आपको पहचाना नहीं. ओह माय गॉड, क्योंकि आज मैं अपने असली गेटअप में नहीं हूँ. क्या मतलब? मैं यहाँ पर दामिनी 2 के लिए आई हूँ तुम्हारी जगह लेने. एए! एक मिनट, मेरी जगह तुम कैसे ले सकती हो? मैं कितना हिट एक्टर हूँ, कितना बड़ा एक्टर हूँ. तुमने मेरा डायलॉग तो सुना होगा, मेरी डायलॉग डिलीवरी तो देखी होगी. चड्डा साहब, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, पर जो सनी की दुकान में बिकते हैं वो कहीं नहीं बिकते. तो बताओ, कौन सा मुकदमा पहले लड़ना है? वाओ, जिसमें पंच पे पंच, पंच पे पंच हो. इतने सारे पंच? तो फिर एक्ट को इधर ही रद्द करते हैं. लेट्स गो बैक. नहीं नहीं, हमारा एक्ट तो बहुत अच्छा चल रहा है और अभी तो सिद्धार्थ भी आएगा. अरे, उसकी लाइन पे तो ये लोग मर जाते हैं, हंस हंस के गिर जाते हैं. सारे के सारे पंच हमने सिद्धार्थ को दिए. कब आएगा सिद्धार्थ?
जसब आ गए, जसब आ गए, जसब आ गए, जसब। अब ऑर्डर ऑर्डर बोलिए और जो ऑर्डर करेंगे आपको वही मिलेगा। आज ये ऑर्डर ऑर्डर नहीं बोलेगा क्योंकि आज ये म्यूट पार्टनर राउंड है, आज ये कुछ नहीं बोलेगा। क्या कहा आपने? ये आज कुछ नहीं बोलेगा। पक्का? पक्का पक्का। म्यूजिक। एक मिनट भारती, ये क्या कर रही हो तुम? कैरेक्टर से बाहर निकल रही हो भारती, कैरेक्टर से बाहर। अरे कैरेक्टर की माँ की आँख, आज हमारा सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलेगा, आज हमारे आसपास से कहीं से आवाज नहीं आएगी, ऐसे कैसे? आज कोई ऐसे बिल्कुल नहीं करेगा और आज कोई फंबल भी नहीं मारेगा, कोई फंबल नहीं मारेगा आज। सच? पक्का? पक्का। म्यूजिक। ओह, और कॉमेडी कौन करेगा? बंद करो! आप क्या करें, हमसे एक्चुअली एक छोटी सी गलती हो गई है। वो क्या है कि हमने अपने सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े पंचेस सब इसको दे दिए और उसके बाद हम ही ने इसे म्यूट भी बना दिया। जज साहब हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। जज साहब हम सूटकेस पे ध्यान दें। सूट? ओह माय गॉड, मैं तो बस मेरा ध्यान इधर ही रहता है। नॉटी जज साहब। एक मिनट, जज साहब क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। सूट केस में से सूट को हटा दो, यानी के केस पे ध्यान दे। मुझे भी केस पे ध्यान दे, केस पे। तो मैं शपथ खाती हूँ, जो भी कहूंगी पोल पकड़ के कहूंगी, पोल पकड़े बिना कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा, पहला केस है कि सोहेल का कहना है कि उसका श्रुति के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई टाका नहीं भिड़ा है, फिर उन दोनों का नाम एक साथ क्यों लिया जाता है? क्यों भिड़ा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि जब कृष्णा सुदेश के साथ वो नल्ला सा लड़का परफॉर्म करता है, इस बंदे ने आज तक उसकी कभी तारीफ नहीं की, लेकिन एक एक्ट में वो श्रुति क्या बन गया, इसने उसको अपने पास बुलाया, उसको ऐसे पकड़ा, उसको चूमा, चाटा, खा गया और इतनी जोर से गले लगाया कि वो लड़का बाहर जाके कह रहा था कि उसका खट्टा खाने का मन कर रहा है। ठीक है, अब जज साहब की बारी है, जज साहब फैसला सुनाएंगे। सुनाइए। सुनाइए। सुनाइए ना। ऐसा ही होता है, इंसान को जज क्या बना दो सो जाता है। फैसला सुनाइए जज साहब, जज साहब फैसला सुनाइए, फैसला। एक मिनट, ये कोई कॉमेडी सर्कस का स्टेज नहीं है जो आप खड़े होकर तालियां बजाने लग गए। सब आपकी वजह से जज चिल चिल, आप हमेशा सोते रहते हैं और जब तालियों की आवाज आए आप खुल के खड़े होकर तालियां बजाने लग जाते हैं। आपको पता है, आपकी इन्हीं हरकतों के कारण आज कोर्ट्स में जज ऐसे खड़े होने लगे, और वो दिन दूर नहीं जब आप अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए कहेंगे कि मैं शेर खान बना रहा हूँ। ऐसा मुंह मत बनाइए, केस पे ध्यान दीजिए, केस पे। एक मिनट जज साहब, वो वाला केस उस जज का है, आप अपने केस पे ध्यान दीजिए। हमारा अगला केस है अर्चना के कॉन्ट्रैक्ट का केस, ये अचानक से भड़क
गई क्योंकि इसके कॉन्ट्रैक्ट आई मीन इसके चेक से 2-0 कम कर दी गई थी। एक मिनट, भड़केगी ना, जब 500 रुपए में से 2-0 कम होंगे तो बचेगा क्या? टंग 5 रुपया। इसमें मेरे क्लाइंट की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है अर्चना की। मेरे क्लाइंट विपुल की कोई गलती नहीं है। एक मिनट, विपुल भी आपका क्लाइंट है? हाँ, उसने मुझे इसके खिलाफ केस लड़ने के लिए भर भर के पैसे दिए हैं। सारी की सारी गलती इसमें विपुल की है, मैं जानता हूँ। उसने अर्चना के साथ जबरदस्ती की थी, उसने एक स्टील के ग्लास में गरम चाय डाल के वो ग्लास अर्चना के हाथ में तब तक थमा के रखा जब तक अर्चना ने साइन नहीं कर दिया। अगर उसने इसके हाथ में तपता हुआ ग्लास पकड़ाया तो मेरे क्लाइंट विपुल को भी वो गरम लगा था। पता नहीं विपुल इतनी मेहनत करने की क्यों कोशिश की, लेकिन हटे पीछे। गुस्सा अर्चना ने विपुल को दिलाया था। विपुल ने 5-5 कॉन्ट्रैक्ट की कॉपियां भेजी, लेकिन ये भूखी एक नंबर की भेल खाने के चक्कर में भेलपुरी वाले को सारा कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया। लेकिन मेरे क्लाइंट विपुल का भी कॉन्ट्रैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज तक जिस ने उसके कॉन्ट्रैक्ट में भेल खाई है आज वो सब उसके नीचे काम कर रहे हैं। देखिए, तो अब इस केस में इसको छोड़ते हैं। आओ, तुम भी एक अच्छी वकील हो, मैं भी एक अच्छा वकील हूँ, तो साथ में एक फिल्म करें, कुछ कदर मचाएं। कदर कदर में वो पैसा नहीं है जो चद्दर में है। क्या सड़क पे चद्दर बिछाओ तो इतने पैसे मिलते हैं कि मजा ही आ जाता है। इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है बोलने को। इसके पास था, इसके पास वो लाइनें थी कि आप हंस हंस के गिर जाते अर्चना मैम, आपका विग निकल जाता, हम अपने कपड़े फाड़ लेते, इतनी हंसी वाली बात थी। बताओ कुछ बच नहीं है मेरे पास। म्यूट पार्टनर राउंड है सिद्धार्थ। म्यूट पार्टनर चुप रहे कितना मारा मेरे को। कुछ 5 मिनट नहीं मेरे पास, म्यूट रहकर अगर ये 10-10 मार्क देते तो हम लोग तीनों म्यूट रहते। चलो स्टैंडिंग ओवेशन दे दो, चलो दे दो। देखो दोनों म्यूट है अभी। नहीं, दे दो कह रहे तो दे दो ना, अभी आओ ना। तो जजेस, इस केस का फैसला तो शायद अब आप दोनों को ही करना है। तो अर्चना, अगर कोई किसी एक्टर से पूछे कि वो सबसे ज्यादा मेहनत और एनर्जी कब लगाते हैं, तो एक एक्टर आपको ये बताएगा कि जब स्क्रिप्ट थोड़ी सी वीक हो। इस एक्ट में पंचेस उतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन आपकी मेहनत, आपका जो एंडेवर और एफर्ट था वो काबिले तारीफ़ है। अगर आप एनर्जी नहीं लगाते तो ये वॉचेबल नहीं होता। आपने इसे बहुत वॉचेबल कर दिया और काफ़ी हद तक एंटरटेनिंग किया। थैंक यू सुहेल। जब मेहनत दिखने लग जाती है so you feel that the script is weak. So koshish aap logon ne ki, matlab it's only brave actors who can even attempt something like this, that on a weak script still come and attempt something, give a sincere effort to it, so that hum aapko wapas Kiku, Siddharth and Bharti bhi see you doing your best what you guys do here. Time now for the scores. So here aap isko kitne points denge? 8. Archana, thank you ma'am. Ek baar Kiku, Bharti aur Siddharth ke liye zordar taaliyan. पति के मरते ही कई लोग आ गए हैं एक खामोश विधवा के पास। देखते हैं कौन हमदर्दी दिखाता है और कौन मारता है चांस। प्लीज वेलकम कपिल एज इंश्योरेंस एजेंट, सरगुन एज विधवा एंड मुबीन एज वेरियस कैरेक्टर्स। हेलो, क्या हेलो, दो मिनट। हेलो, हाँ मैं कौन बोल रहा हूँ? अरे आपकी स्क्रीन पे मेरा नाम आ रहा है ना, बताओ, मैं भूल जाता हूँ। दुबे, हाँ मैं दुबे बोल जी। और मैं आपको बताना भूल गया, वो आपकी वो जानी थी इंश्योरेंस की EMI, और मैं भूल जाता हूँ मैडम, क्या करूँ। हाँ नो प्रॉब्लम, मैं बड़ी पॉलिसियाँ करता हूँ लोगों की। ओ माय गॉड, एक्सक्यूज मी, कौन लाश कौन है ये कि ये? तो स्मेल इनमें से आ रही है। भाई साहब बहुत देर से देख रहे हैं, जब से आप आए हो बकर बकर किए जा रहे हो। देखो अपनी बकवास बंद करो, दिमाग मत खराब करो साहब, ठीक है? हुआ क्या है? अरे दिखता नहीं साहब, इनकी डेथ हो गई है। क्या? ओ माय गॉड, मुझे तो महालक्ष्मी जाना था। सुनिए, वैसे इनको हुआ क्या? कुछ नहीं, ऐसी घर से निकले। एक मिनट, आपके पास ब्रेक पिन वाला चार्जर है?
अरे जहाँ किसी की डेथ हो गई आपको बारीक पिन वाले चार्जर की पड़ी है। यार डेथ होगी तो क्या मतलब मैं फोन ना चार्ज करूं? जिन लोगों ने मुझे फोन करना उनको थोड़ी ना पता बंदा मर गया। हद करते हो आप लोग। वर्मा जी किधर हैं? अरे ये ही तो हैं वर्मा जी, ये तो पड़े हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये क्या हुआ इनको? डेथ हो गई इनकी। पहले नहीं बोल सकता, क्या हुआ इनको? डेथ हो गई इनकी। कैसे डेथ हो सकती? ये तो मैंने अभी इनको फोन लगाया हुआ है, रिंग तो जा रही है। कैसे मर सकते हैं? रिंग जा रही है, ऐसे कैसे? ये मरे, इनका फोन नहीं मरा है। मैं मानता हूँ डेथ हुई है, लेकिन बंदा रिप्लाई तो कर सकता ही नहीं। एक मैसेज करने में क्या जाता है कि आई एम डूइंग डेथ, कॉल यू लेटर, दैट्स ऑल। व्हाट इज दिस? ये क्यों रो रही है? जे इन्हीं के पति तो थे वर्मा जी, इसलिए मर गया तो ये एंजॉय क्यों हो रहा है? ये क्या? अरे जे एंजॉय नहीं कर रही, जे अपना दुख व्यक्त कर रही है। तुम्हारी बार बार क्यों गले लग रही है? क्योंकि मैं वर्मा जी का बचपन का दोस्त हूँ। यार मैं जवानी का दोस्त हूँ, मेरे को जवानी वाली हक दे दो थोड़ी। क्या हो रहा है ये? क्या हुआ? आपको शर्म नहीं आती? क्या हुआ? एक अबला मजबूर नारी के मजे ले रहे हो? तो अबला नारी के साथ ही फ्लर्ट कर रहा, सबला नारी से करके मार खा नहीं मैंने। अब मान लो मैं इसको जफी नहीं डालूं, अर्चना को डाल दूं, उनको तो मजा आ जाएगा कि नहीं? हद कर दे आप लोग। सुनो ये देखेंगे कितना वर्क करता है तेरा एक्ट। अगर सच में ना तेरे को मार के गया मैं, ये बोल के नहीं रही। ये वर्मा जी मर गए ना, तुझे सदमे में गूंगी हो गई है। अगर ये कहीं इनके जीते जी गूंगी हो जाती ना, तो ये बंदा आज मरता नहीं। आज ये जिंदा होता और हमारे बीच बैठा होता, इधर ही बैठा होता आज हमारे साथ। ये मेरा भाई। इधर काय को? अबे जब घर में लाश पड़ी हो तो बंदा बाथरूम में बैठेगा, तेरा दिमाग नहीं काम करता? एक मिनट, दूर से मेरे को पता नहीं चला लाश, मेरे को लगा काला नमक ला के रखा इतना सारा। फोन चार्ज करता हूँ इसके में। भाई साहब देखिए, आपका हो गया बेइज्जती करके। हाँ? अभी आप निकल लो साहब, हम लोग खुद अकेले अफसोस कर लेंगे। क्या मतलब तेरा? ऐसे कैसे? बंदा घर में आया, आप लोग कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पूछ रहे? यहाँ किसी की डेथ हो गई, आपको कोल्ड ड्रिंक की पड़ी है? तो लाश भी तो तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक जैसी है। ए, मेरे कोल्ड ड्रिंक पीने के का मतलब? ये लाश क्या मेरी कोल्ड ड्रिंक छीन लेगी? बता मेरे को, पिलाओ कोल्ड ड्रिंक। ये बकवास बंद करो, नहीं तो तुमको धक्के देके बाहर निकाल देंगे हम। पहले एपिसोड में भी ऐसा ही तूने कुछ किया था, मैं तेरे थप्पड़ मार रहा है कर रहे खींच के। अब मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, देखो भाई साहब, देखो मेरी बात सुनो। मैं यहाँ तफ्तीश करने आया हूँ कि ये अरे भाई साहब, देखो देखो आप निकल लो यहाँ से। अरे तुम जाओ इधर से। देखो आप जाओ, हमको नहीं चाहिए आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस देखो मैं तफ्तीश करने आया हूँ। वर्मा जी के नाम पे 2 करोड़ की पॉलिसी थी, मुझे पता करना है मैं किसको दूं। 2 करोड़? हाँ। अरे भाई साहब आप तो बैठिए ना, अच्छे से बैठिए, क्या कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे? ये जेलो जेलो कोल्ड ड्रिंक ले लो, ये तो गर्म है। अरे जे का ये लाश का बर्फ डाल रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक ठंडी होनी जरूरी के लाश? अरे ये थोड़ी कम भी ठंडी रह जाएगी तो इसका कौन सा टेस्ट खराब हो रहा है? देखिए बहन जी रोइए मत, क्या हुआ, डेथें तो होती रहती हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो आदमी मर जाता है ना, जब मैंने सुना है वो आदमी एकदम से जान नहीं निकलती उसकी, उसका 8 घंटे तक दिमाग जिंदा रहता है, 2 घंटे तक दिल। और अगर उसको कोई शॉकिंग न्यूज सुनाई जाए तो वो जिंदा भी हो सकता है। आप बताओ तो मैं जिंदा करूँ? बोलो। अरे अरे भाई साहब ये ऐसा मत करो यार, बड़ी मुश्किल से मारा, अभी 2 घंटे होगा इसको मर के। हाँ अब तक तो इसके ऑफिस के रजिस्टर में भी एब्सेंस लग गई होगी। वैसे भाई साहब आप तो ये बताओ कि पैसा कैसे मिलेगा? पैसे देखिए जैसे इसका पोस्टमार्टम होता है ना, पकड़ो जरा। देखिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे ही आएगी आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन हमारी कंपनी ने एक ऑफर निकाला है, अगर आप हमारी कंपनी से पोस्टमार्टम कराते हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा। जैसे 500 रुपए एक लाश का, 2 लाशों का 700 रुपए लेते हैं।
अरे लेकिन दूसरी लाश कहाँ से लाएंगे? अरे यार घर में इतने बूढ़े बुजुर्ग होते क्या? आपको जिसका लगता है कि और एक डेढ़ महीना नमस्ते करने वाले पापा जी, ले आओ उनको। और अगर आपसे नहीं होता ये काम तो एक काम करो, अगर आपको वेट करना है बुजुर्ग की मरने का तो यहाँ तो फिर इसको फ्रिज में रखो, उसका फायदा बढ़ा ना, आपके पैसे बच जाएंगे, आपकी डेड बॉडी को कंपनी में मिल जाएगी। पर एक बार जो फ्रिज में रखेंगे ना, सब्जियों से थोड़ा दूर रखना, कहीं सब्जियों की स्मेल ना आ जाए इसमें से। इनको देख के लग नहीं रहा है इन्होंने कभी ताजी सब्जियां खाई होंगी जिंदगी में। अरे भाई साहब वो सब छोड़ो, आप तफ्तीश करो ताकि हमको जल्दी स्पेस मिल जाए। तफ्तीश देखिए, लाश के कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। आप मेरे को एक बार बताइए ये कहाँ तक पड़े हैं? ये तो अनपढ़ है गमार। क्या बात कर रहे हैं आप, अनपढ़ है तो इनका टेस्ट क्लियर ही नहीं हो सकते। ओह माय गॉड, अब क्या करें? देखिए एक काम करिए, आपका अंगूठा चाहिए भाभी जी, यहाँ पे आपके पास स्याही है, इधर आइए। ये हो गया आपका अंगूठा लग गया। अब एक काम बताइए, ये मरे कैसे थे? ये देखिए इसका अभी पता नहीं चल पा रहा है। हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने भी इनके पास आने से मना कर दिया। ओहो। वैसे आपको एक बात बताएं जी, इन दो सर्टिफिकेट मिले इनको। किस चीज के? एक इनका डेथ सर्टिफिकेट। अच्छा। और इनका एक बहादुरी का सर्टिफिकेट। ये ऐसे आदमी के साथ जिंदगी कैसे गुजार ली? दैट्स वेरी, जो भी है। सुनिए मैं खैर आपकी वसीयत पढ़ दूं जो आपके पति लिख के देके गए थे, ठीक है? मैं ऋतिक वर्मा, ऋतिक वर्मा ऋतिक वर्मा ये ने ऋतिक वर्मा सन ऑफ कूड़ा वर्मा, ये क्या लिखा है इसने? अपनी पूरी होशो हवास में ये वसीयत लिख रहा हूं कि मेरी जब शादी हुई, भाभी जी आपकी वैसे लव मैरिज हुई कि अरेंज मैरिज? कपड़े भी यही सूखने डालने जाते थे। हाँ अच्छा, घर आते दरवाजा नहीं खट रहा, इधर मुक्के मारते थे आपको। सिंग इज किंग में काम किया है क्या है? क्या बोल रही है ये? अरे अरे भाई साहब इनको छोड़ो, इनसे ये भी नहीं हो रहा, मैं कर देता हूँ। हाँ, हाँ क्या हुआ क्या इनको? तू थोड़ी गूंगा है, तू ना बोल के बता क्या हुआ इनको? हटा दिए। लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज हुई थी। प्यार अंधा होता है। एक प्यार अंधा नहीं, ये प्यार बहुत ज्यादा गंदा है। ऐसे आदमी के साथ लव मैरिज करी? आप कहाँ रहते भाई साहब? मैं बगल में। बगल में स्मेल नहीं आती आपको? अरे इनके बगल में नहीं, इनके घर के बगल में। घर के बगल में? हाँ। ओके चलिए, खैर मैं वसीयत पढ़ लूँ। हाँ। देखिए इनकी वसीयत के अनुसार इनकी बीवी अगर इनकी जायदाद की मालकिन बनना चाहती है तो उनको साबित करने के लिए इनको किस करना पड़ेगा? और सिर्फ गाल पे नहीं, माथे पे भी। और भी कोई अगर इनकी वसीयत का हिस्सेदार बनना चाहे तो वो इनको किस कर सकता है? अच्छा मतलब? हाँ। मैं भी कर सकता हूँ। तुम तो डिजर्व करते हो, करो। शाबाश, बन गए हिस्सेदार, आ जाओ। अब असली वसीयत पढ़ते हैं। जोक सपाट। लिखते हैं, मैं मर गया सो मर गया, पिछले एक्ट की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ऐसा इनका कहना है। अगर गुस्सा है तो इधर ही आगे निकाल लो, आ जाए हूँ कल का कोई पता नहीं। और कलाकारों को 10-10 नंबर दे के प्रोत्साहित करें, वादा करता हूँ कि अगली बार अच्छा करेंगे। ये वाली लाइन मेरी थी, लास्ट वाली। शुक्रिया भाई साहब, चलो हो गया आपका। तो जॉर्जिस कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? सुहेल, इट वाज टोटल एन एक्सटेम्पो एक्ट। और आप कपिल, आप खुद समझदार हो, आप खुद जान गए थे क्या ये क्या हो रहा है। एक्चुअली एवरीबॉडी डिडंट हैव मच टू डू इन दिस एक्ट। और सैडली जो थे राइटर जो थे वो इस एक्ट में मर ही गए थे। एक्चुअली ये सिम्बॉलिक था कि ये एक्चुअली एक्ट में मर ही गए थे। और बट राज साहब आप बहुत ब्रेव हैं, शुरू में ही इस मंच पर आ गए, लेकिन आप बहुत क्लेवर भी हैं कि आप एकदम मूक होकर मृत यहाँ पर हमारे सामने थे। इनको टीवी पे आना कैसे भी आए। ये एक म्यूट पार्टनर राउंड था, मुश्किल है इसके लिए लिखना, तो ये बिल्कुल भी एक रिफ्लेक्शन नहीं है आप तीनों के टैलेंट पर और ना ही राज आपके ऊपर। ये वक्त की कमी की वजह से जो हुआ है वो हो रहा है। और वक्त की कमी, आयोडीन की कमी। मेरी सुबह सुबह हंसी रुकती नहीं है। जाहिर है आपको मजा आ रहा है, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है।
हम देख रहे थे कि आप हंसते 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 आपने बोलना बंद कर दिया था, आप सिर्फ हंस रहे थे और फिर उसे इंक्लूड कर रहे थे अपने एक्ट में। लेकिन एक एक्ट जिसमें स्क्रिप्ट नहीं हो, उसमें तीन कलाकार अपनी कोशिश कोशिश करके उसे कितना बेहतरीन कर सकते हैं, वो हमने अभी आप एक नमूना देखा आपके एक्ट में। लेकिन जो ब्रिलियंस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं आप चारों से, क्योंकि राइटर साहब अब मौजूद हैं यहाँ पर, वो नहीं मिली इसमें। लेकिन कपिल यू ऑलवेज बाउंस बैक एंड सरगुन एंड मुबीन आप बहुत अच्छे कंपनी में हैं। राज साहब आप अगली बार बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे मुझे, हमें आप आश्वासन दे दिए। इट वॉज स्टिल क्यूट एंड एंटरटेनिंग। शुक्रिया मैम। तो सुहेल आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? क्योंकि कपिल ने बहुत एंजॉय किया इस एक्ट को। थैंक